ए वाई इक्वल टू अंडरूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडरूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडरूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अप टू इनफाइनिट, देन फाइंड डी बाय डी एक्स, देन फाइंड डी बाय डी एक्स। तो हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। वाई इक्वल टू अंडरूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडरूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडरूट ऑफ लॉग एक्स। तो होता क्या है कि यदि आपका कोई भी फंक्शन रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो हम यहां से जो भी है इसको वाई के बराबर मानेंगे जहां से रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसको आप हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई का वाई है, वाई के इक्वल। तो ये आ गया आपका वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई। तो आ गया वाई इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई। तो आप स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, वाई का डी बाय डी एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स और वाई का डी बाय डी एक्स। टू वाई डी बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का वन बाय एक्स प्लस डी बाय डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, तो ये आ गया टू वाई डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये आ गया टू वाई माइनस वन इक्वल टू वन बाय एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स? वन अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन, ये हमारा इसका डी बाई डी एक्स है। लिख लीजिए इस तरह से हो गया, ये मेथड है। लिख लिया नेक्स्ट। जो इनकी पहली वाली पीस थी, ये इधर
लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। इफ वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स की जगह सपोज कॉस एक्स आ जाए, तो सेम तरीके से ही होगा। ये आ गया अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस वन, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टू वाई डिवाइड बाई डीएक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस डिवाइड बाई डीएक्स, डिवाइड बाई डीएक्स कॉमन ले लो, डीवाई डी एक्स कॉमन आया तो कितना आया, टू वाई माइनस वन, तो यह आ गया डीवाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन या साइन एक्स अपॉन वन माइनस टू वाई, डीवाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन माइनस टू, ये इसका डीवाई डी एक्स है। हो गया नेक्स्ट, वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इनफाइनिट, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर अप टू इनफाइनिट, पॉइंट डिवाइड बाई डी एक्स, तो हमें इसका डिवाइड डी एक्स निकालना। तो यहां से आपका रिपीट हो रहा है, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर वन, रूट एक्स होता है एक्स की पावर वन बाई टू, वन बाई टू वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई बाई टू, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई इक्वल टू वाई बाई टू लॉग एक्स, लॉग वाई इक्वल टू वाई बाई टू लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई और वाई का डी बाई डी एक्स। अब ये दो फंक्शन है, सबसे पहले वाई का कर रहा हूं तो वन बाय टू वाई का डिवाइड बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर वाई बाय टू लॉग एक्स का वन बाय एक्स, फाइव बाय टू लॉग एक्स का वन बाय एक्स, अब डिवाइड डी एक्स एक तरफ ले लो,
या डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो। एलसीएम ले लो। टू से टू कैंसिल हो गया। टू माइनस वाई लोग। यस की वैल्यू आ गई। लिख लिया। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं और फिर नया टॉपिक। इफ वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट, then prove that t बाय dx इक्वल टू y अपॉन वन माइनस वन। d बाय dx इक्वल टू y अपॉन वन माइनस वन। बिकॉज देखो अब इसमें कैसे करेंगे अपन। यहां से रिपीट हो रहा है ये या वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन। चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो या लोग ले लो जैसे आपकी इच्छा। डायरेक्ट भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स ई की पावर का ई की पावर वन प्लस डी बाय डी एक्स। अब मुझे पता है e की पावर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसकी जगह वाई रख दो।
या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया 1 माइनस वाई, तो हमारा डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये इसका प्रूफ। तो ये हमारा लॉगरिथमिक मतलब इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हो गया। अब लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बेटा फोन अलग रख दे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जब एक्स और वाई दो वेरिएबल एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आना हो, एक्स और वाई वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आना हो, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वैसे आपको पता करने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब नहीं, हमें तो डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब x की वैल्यू r cos थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय d थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस r साइन थीटा। दिस इज dx बाय d थीटा। फिर y इक्वल टू r साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा।
तो डी बाई डी थीटा हो गया आर कोस थीटा, सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा क्या है? आर कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा। सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स? माइनस फोर थीटा। इस तरह से आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, लिख लीजिए डी एस का डी बाई डी एक्स। बस एक तारीख लास्ट, फिर जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, जैसे जिसका जो टॉपिक बाकी रह गया वो पढ़ लो। कनिष्क जब भी आएगा उसको पढ़ा देंगे, एक टॉपिक बाकी रह रहा है, एप्लीकेशन और डायरेक्टिव बाकी रहेगा वो पढ़ा देंगे। भाई इसी टाइम पे रखेंगे, टाइम तो ये रहेगा डाउट क्लास। अब वो अपने अपने जो भी टीचर आते हैं उसमें से बात कर लो, फिजिक्स वाले से बात करो, केमिस्ट्री वाले से बात करो। लिखो नेक्स्ट, इफ एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, देन फाइंड टी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू निकालना। अब डी टू वाई डबल डिविजन इसका यही बता रहा हूं मैं, ये डबल डिविजन कैसे निकालूं। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा डीएक्स बाय डी थीटा, ए थीटा का वन साइन थीटा का कोस थीटा, ये हमारा इसका डी एक्स वाई डी थीटा। वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा, ए वन का जीरो माइनस कोस थीटा का साइन थीटा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा आ गया ए साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया ए वन माइनस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा।
अब यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले लगाऊंगा। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin θ/2 cos θ/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, और 1 cos θ का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin²θ/2। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 sin से 1 sin कैंसिल हो गया, तो हमारा dy/dx ये आ गया आपका cot θ/2। इतना लिख लीजिए, ये इसका dy/dx आ गया। लिखो, अब इसका डबल डिफिनेशन भी मैं यही बता रहा हूं, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये तो एक काम करेंगे, 1 से 2, भाई तुम्हें डाउट क्लास की बात करें, 1 से 2 मैथ्स की रख लेंगे, 2 से 3 तुम्हारी केमिस्ट्री की हो जाएगी, ये देख लेंगे, और तो फिजिक्स की 4 से 5 हो जाएगी जो लगातार हो जाए, ऐसे कर लेंगे। लिख लो, अब cot θ/2 आ गया, ये d2y/dx². अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² cot का डेरिवेटिव माइनस cosec²θ/2, θ/2 का 1/2 और θ का d θ/dx माइनस cosec²θ/2, θ/2 का 1/2 और d θ/dx। तो d2y/dx² माइनस 1/2 cosec²θ/2 और d θ/dx है बेटा dx/dθ। d θ/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dθ, और dx/dθ की वैल्यू है a1 - cos θ, ये आपका फाइनल आंसर, a1 - cos θ। इस तरह से डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। इफेक्ट्स इक्वल टू,
रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स पी, वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए की पावर कोस इनवर्स पी, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स पी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डीएक्स बाई डी टी अंडर रूट का वन अपॉन टू अंडर रूट की पावर ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए और साइन इनवर्स टी का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स टी का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ या आ गया लॉग ए अपॉन ये अंडर रूट है, यहां से कैंसिल होके यहां लग गया ऐसे। और नीचे आ गया टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। तो हमारा डी एक्स वाई डी टी आ गया एक्स लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा डी एक्स वाई डी टी है। भाई एक्स का डी एक्स बाई डी टी रूट का करेंगे, रूट का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर ए की पावर साइन इनवर्स टी का ए की पावर साइन इनवर्स टी लोगे और साइन इनवर्स टी का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व करने पर आ गया हमारा ये देखो ये ए पावर ये रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया ये एक्स लोगे अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। अब वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए की पावर कोस इनवर्स टी, रूट का वन अपॉन टू रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए और कोस इनवर्स टी का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। या गया ए की पावर कोस इनवर्स टी कैंसिल हो गया माइनस का लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, या गया माइनस वाई लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा डी वाई बाई डी टी आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है,
जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो डी वाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई बाई एक्स, तो ये हमारा डी वाई डी एक्स आ गया। लिख लीजिए,